हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये क्या है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कश्मीरी नुदुर या कमल ककड़ी, इसकी सब्जी या इसका कोफ्ता बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। ये कैसे बनेगा देखिए फ्रेंड्स, हमको ये कमल ककड़ी लेनी है। इसका देखिए मैं ऊपर और नीचे का देखिए हमने ये पार्ट अलग कर देना है हमको, और उसके बाद हमको देखिए छिलौटी की मदद से ऐसे हमको ये छील लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसको ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, बहुत मोटा नहीं काटना। फ्रेंड देखिए मेरी कमल ककड़ी देखिए साफ है, कोई कोई कमल ककड़ी जो है वो गंदी होती है अंदर से। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास जो आई थी उसमें एक अंदर से गंदी भी आ गई थी। तो ये देखिए आप इसमें अंदर देख रहे हैं मिट्टी मिट्टी है। तो आप पहले इसको ऊपर नीचे से काट के इसको बिल्कुल रनिंग वाटर के नल के नीचे लगा के इसको धोएंगे तो ये साफ हो जाएगी, तब इसको काटिएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे नल के नीचे लगा के हम इसको ऐसे धोएंगे तो इसकी सारी मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। और फ्रेंड देखिए, ये हमने इसको तीन चार पानी से धो लिया। फ्रेंड ये तालाब में होती है तो मानी सी बात है तालाब वाली चीज़ें थोड़ी गंदी होंगी, तो मैंने इसको चार पाँच पानी से अच्छे से धो लिया। देख रहे मेरा पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स, हमको एक पैन में पानी चढ़ा देना और इसको बॉयल होने देना है। फ्रेंड देखिए मेरा पानी बॉयल हो गया था। अब फ्रेंड्स, हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और अपने इसमें ये हम कमल ककड़ी कटी हुई है या जो नदुरू जो हमारा कटा हुआ है इसको हम इसमें डाल के इसको फ्रेंड्स कम से कम 10 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। अगर आप कुकर में बॉयल कर रहे हैं तो आप एक सीटी लगा सकते हैं, बट मैं इसको खुला बॉयल कर रही हूँ। इसको हाई मीडियम फ्लेम पर इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। और फ्रेंड, जब तक हमारा बॉयल हो रहा है कमल ककड़ी, तब तक देखिए हमने एक प्याज ली है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हैं, थोड़ी सी अदरक ली, इसका हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड देखिए हमारी कमल ककड़ी अच्छे से बॉयल हो गई थी। अब फ्रेंड्स, आप इसको चाहें तो मिक्सर में पीस लें और चाहे आप चाहें मैशर से इसको ऐसे मैश कर लें। फ्रेंड्स, मैं मैशर से ही मैश करूँगी, बट अगर आप बहुत स्मूथ चाहते हैं तो आप मिक्सर में पीस भी सकते हैं, बट मैं इसको मैशर से ही अच्छे से मैश करूँगी। फ्रेंड देखिए हमने मैश कर लिया। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताया, मैंने इसमें एक उबला हुआ आलू लिया, वो भी मैंने इसमें मैश कर लिया है अच्छे से। फ्रेंड देखिए मेरा सब कुछ अच्छे से मैश हो गया है। अब फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी प्याज, एक छोटी प्याज, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको हम बारीक चॉप करके इसी पेस्ट में मिलाएंगे। अब फ्रेंड देखिए, हमने इसमें चॉप करके धनिया, मिर्चा, प्याज और अदरक मिला लिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़े फ्रेश कटे धनिया के पत्ते डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, इसमें 3 से 4 चम्मच हम बेसन डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसकी बॉल बनाएंगे। और फ्रेंड देखिए, हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। फ्रेंड्स, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के बॉल को बनाएगा। फ्रेंड देखिए, एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है। अब फ्रेंड्स, ऑयल को मीडियम हॉट गरम रखेंगे और इसमें हम अपनी ये बॉल डाल के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार जितनी बॉल आ जाएंगी उतनी बॉल हम डालेंगे। फ्रेंड देखिए, जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तब देखिए हम इसको ऐसे धीरे धीरे पलटेंगे सारे। फ्रेंड्स, मैं फोक से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फोक से बहुत अच्छा सा पलट जाता है। आप करछी से करेंगे तो कोफ्ते जो हैं वो टूटने लगेंगे। अब हम इसको ऐसे सारे देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक दूसरी तरफ से भी इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, हमारे ये सारी बॉल्स गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई थी। ये हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने फ्रेंड सरसों को ऑयल लिया। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप बॉल फ्राई करने के लिए चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट इस स्टेज पे आप सरसों को ऑयल यूज़ करिएगा, उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फ्रेंड देखिए, इसमें हमने एक तेज पत्ता डाला है और हमको फ्रेंड थोड़ी सी हींग डालनी है, या कहिए आधी चम्मच हींग डालनी है। अब फ्रेंड्स, इसमें हमने देखिए ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये हमको तेल में डालना है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, फ्रेंड्स हमको ये तेल में डालना है। और फ्रेंड्स, हमने जो अदरक, प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था ये हमको इसमें डाल देना है। और फ्रेंड्स, अब हमें इसको अच्छे से प्याज के भुन जाने तक भूनना है। फ्रेंड देखिए, जब हमारा प्याज देखिए और किनारे किनारे से ऑयल छोड़ दिया, अच्छे से भुन गया है।
तो फ्रेंड्स अब हमको इसमें ही मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं फ्रेंड, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड। सब्जी जो भी होती है कि जो भी सब्जी होती है, हर सब्जी को जैसे आप डालेंगे उसका स्वाद अलग आता है। अगर आप प्यूरी बना के डालेंगे उसका स्वाद अलग आएगा, काट के डालेंगे उसका स्वाद अलग आएगा, आप उसको चॉप करके डालेंगे अलग आएगा। फ्रेंड्स मैंने इसको कद्दूकस करके इसको टमाटर को डाला है। आप फ्रेंड्स ऐसे डालिएगा, बट अगर आपको ऐसे नहीं डालना है, आपको बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए, तो आप इसमें इसको पीस के भी डाल सकते हैं। बट अगर आप ऐसे कद्दूकस करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स टमाटर गया तो क्या जाएगा, नमक। अब फ्रेंड्स हमको इसमें नमक डालना है और टमाटर के अच्छे से गलने तक और भुनने तक हमें इसको पकाना है। अब फ्रेंड्स इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे जब तक ये टमाटर गलेगा इसमें नमक के साथ, फिर हम इसको खोल के थोड़ी देर भून लेंगे जब तक ये ऑयल छोड़ेगा। फ्रेंड देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। अब हमें इसमें फ्रेंड देखिए कुछ सूखे मसाले, मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार आप लीजिएगा। मैंने आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है, चिली फ्लेक्स लिए हैं, आप चाहें तो किसी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इन सबको हमको बस एक मिनट तक भूनना है। फ्रेंड्स इन मसालों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस एक मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए एक मिनट हो गया है, क्या बढ़िया कलर हमारा आया है। अब फ्रेंड्स हमें क्योंकि इसमें कोफ्ते की बॉल डालनी, वैसे तो हमारा ग्रेवी तैयार है बट इसमें हम कोफ्ते की बॉल डालेंगे, तो ये उसके लिए हमको इसमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए रहेगा जिससे कोफ्ते में अच्छे से अंदर रसा जाए। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से पानी डालेंगे क्योंकि पानी उबलेगा पकेगा, फिर हम बॉल्स डालेंगे वो भी थोड़ा पानी अब्जॉर्ब करेंगे। अब हम इसमें अच्छे से एक बार बॉयल आ जाने देंगे। अब फ्रेंड देखिए जब इसमें एक बॉयल आ गया है तब हम इसमें अपनी जो सारी बॉल्स हैं वो ऐड कर देंगे और अब हम इसको ढक के दो मिनट तक पकाएंगे सारी बॉल्स ऐड करने के बाद। फ्रेंड बॉल डालने के बाद इसमें हम ये थोड़े से फ्रेश कटे धनिया के पत्ते डालेंगे जिससे कि इसका भी टेस्ट जो है वो पूरा बढ़िया से ग्रेवी में बॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसको दो मिनट के लिए फ्रेंड्स ढक देंगे। फ्रेंड देखिए दो मिनट हो गए थे, अब आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी देख रहे हैं आपकी अब गाढ़ी हो गई है। अब फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो पूरा उसी में फिर मज़ा नहीं आएगा। इस कोफ्ते की ग्रेवी फ्रेंड्स इस तरह रहनी चाहिए कि कोफ्ते के साथ ग्रेवी का भी मज़ा आए। अब आप मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए मैं आपको एक बॉल तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बॉल्स हमारी कितनी मुलायम है, ये देखिए देख रहे हैं कितने बढ़िया से हमारी बॉल टूट रही है। अब फ्रेंड्स हम इसको ढक देंगे गैस को ऑफ करके और फिर आधे मिनट बाद हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे क्या बढ़िया ग्रेवी का रंग हो जाएगा। अब फ्रेंड ये देखिए हमारी सब्जी बढ़िया टेस्टी खाने के लिए तैयार है। तो देखा फ्रेंड्स कश्मीरी नुदुर की हमने क्या बढ़िया सब्जी, नुदुर यकनी की क्या बढ़िया सब्जी हमने बनाई है। अब फ्रेंड्स इसको धनिया के पत्तों से इसकी गार्निशिंग करिए और इसका मज़ा उठाइए। फ्रेंड्स ये सब्जी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही पौष्टिक होती है। और फ्रेंड्स सीजनल सब्जियों को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे हम जो यूनिक नई नई रेसिपी बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।